काम से मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फेवरेट मेरा भाई था मुनावर फारूकी। अभी जरूर बता देना। ये मुनावर के नाम पे तालियां मार दो यार, सब हम एक दूसरे को बताते हैं यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुनावर मेरे बहुत क्लोज है। तो आज आप CWC के बारे में बताएंगे उन्हें कि नहीं बताएंगे? मुनावर के बारे में आप सब अभी वीडियो कॉल हो सकता है? अभी वो शूट पे है, अभी एक वो इवेंट पे गया हुआ है, वो भी पता नहीं अभी उठा। तो चलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि मुनावर को बता देंगे CWC के स्टूडेंट्स के बारे में। ये मीडिया पोर्टल्स में डल जाएगा और CWC स्टूडेंट्स मतलब आई स्वेयर जब मैं एंट्री कर रहा था इतने वार्म थे और इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई है यहाँ पे आते ही, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स और टीचर्स तो फायदा उठा रहे हैं, मेरे पास आके बोल रही हैं वो मैम कि मेरे साथ फोटो खिंचाओ मैं यहाँ की टीचर हूँ। मैंने कहा टीचर होने का फायदा नहीं, सबको फोटो होनी चाहिए, बट ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच अभिषेक, बट हम आपको वापस ऐसे नहीं जाने दे सकते। बिग बॉस की जर्नी बहुत टफ थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ थी, और मुझे वहाँ जाके पता चला कि मैं इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे बाहर नहीं पता था कि मैं इतनी चीज़ों को अकेला फेस कर सकता हूँ, पर मैंने फेस किया। और मैं ज़्यादातर बिग बॉस के घर में अकेला ही होता था, मैं बाहर जाता था, मैं देखता था किससे बात करूँ, पता चलता था कोई बात करने वाला ही नहीं है, पर इतना पता होता था कि मैं मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा पर मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो बहुत टफ थी बट मैं यहाँ तक पहुँच गया बहुत। और शायद जब लोग आपके बारे में बात करते हैं वही एक अंश होता है आपके फेमस होने का। वही मैंने बोला कि मैं अकेला बैठा होता था और मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे थे, अभिषेक ने ये किया, अभिषेक ने वो किया, अभिषेक ने ये किया। मैंने कहा हाँ किया भाई, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट।